जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, श्रद्धे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा अब तक न जाने कितने देश और विदेश वासियों का कल्याण हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा। 17 जनवरी सन 1935 को जब कल्याण मासिक पत्रिका का संपादन भाई जी स्वयं किया करते थे, एक अंग्रेज कृष्ण भक्त श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी अर्थात रोनाल्ड निक्सन ने भाई जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों एवं उनके साथ हुई प्रत्यक्ष बातचीत की अलौकिक घटना को लिखकर भेजा था, जिसे पढ़ने या सुनने से एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें और दूसरे भक्तों को शेयर भी करें। रोनाल्ड निक्सन लिखते हैं, श्रद्धेय संपादक जी, कल्याण गोरखपुर। करीब 11 वर्ष का हृषिकेश नाम का सांवरे रंग का परम सुंदर बालक आज लगभग 12 बजे दोपहर को आया। उस समय यह श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी पौष मास के कल्याण भाग 9 संख्या 6 को बड़े ध्यान और प्रेम से पढ़ रहा था। बड़ी नम्रता पूर्वक उस बालक ने इस भिखारी से एक छोटी तावीज साइज की गीता मांगी और कहा कि गीता अध्याय 8 के 22वें श्लोक को पढ़ा दीजिए एवं समझा दीजिए। ज्यों ही यह भिखारी अनन्यास चिंतयन्तो माम पढ़ने लगा, त्यों ही वह कहने लगा कि गीता भगवान का एक स्वरूप है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इस भिखारी ने हृषिकेश से पूछा, भाई तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? उसने प्रेम तथा आनंद अश्रुओं सहित बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, मैं तो कल्याण में रहकर कल्याण द्वारा सब प्राणियों की चिंता किया करता हूँ, भक्त ही मेरे चिंतामणि हैं। भगवान, भक्त और भागवत तीनों एक ही हैं। तब इस भिखारी ने उससे पूछा, भाई तुम्हारा घर कहाँ है? उन्होंने धीमी स्वर माधुरी से कहा, मेरा निवास स्थान वृंदावन सेवा कुंज में है, वहाँ के श्री राधा कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। इतना सुनकर उन्हें कुछ जलपान कराने की मेरी इच्छा हुई। तुरंत यह भिखारी अंतरंग विभाग में जलपान लाने के लिए गया। लौटकर देखा हृषिकेश कहीं चले गए हैं। अनुमानतः 5 मिनट का समय लगा होगा। इस भिखारी ने बहुत चेष्टा की और स्वयं 4 मील तक दौड़ा गया, परंतु उनका कहीं कुछ पता न चला। जब इस भिखारी से हृषिकेश का साक्षात्कार हुआ, तब उस स्थान पर संयोगवश कोई नहीं था। बस कृपया आप इतना सूचित कर दें कि हृषिकेश नामक कोई बालक आपके कार्यालय में कार्य करता है। क्या यह सेवा कुंज वृंदावन में रहता है? इस कृपा के लिए यह भिखारी आपका अत्यंत कृतज्ञ होगा। आपका विनीत शरणागत राधा कृष्ण प्रेम भिखारी। भाई जी द्वारा श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी को लिखा गया उत्तर। गोरखपुर, दिनांक 20 जनवरी 1935। सम्मान्य श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी जी, सादर हरिस्मरण। आपका तारीख 17 जनवरी 1935 का पत्र मिला। कल्याण में हृषिकेश नामक कोई परम सुंदर बालक नहीं रहता, सेवा कुंज बिहारी श्री श्याम सुंदर सर्वत्र रहते ही हैं, इसलिए कल्याण कार्यालय में भी जरूर रहते हैं। कल्याण में विशेष रूप से रहते हों तो वे जाने, हम लोगों को तो कभी उन्होंने ब्राह्मण बालक के रूप में दर्शन नहीं दिया। सचमुच वे हृषिकेश आपको प्रेम भिक्षा देने के लिए यदि आपके समीप पधारे हों तो आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने यह भूल अवश्य की जो उनको पकड़ नहीं लिया और अपने साथ ही जलपान कराने नहीं ले गए। उन्होंने आपको हृषिकेश नाम कब और कैसे बतलाया, लिखने की कृपा कीजिएगा। आपका हनुमान प्रसाद पोद्दार। प्यारे साधकों, संभव है कि यह दिव्य प्रसंग, यह अलौकिक घटना उस समय प्रकाश में न लाई गई हो, प्रकाशित न की गई हो, परंतु भाई जी चरितामृत नाम से प्रकाशित हुई पुस्तक में यह अलौकिक प्रसंग नाम से अब प्रकाशित है। आप चाहें तो इसे वहां भी पढ़ सकते हैं अथवा वेबसाइट www.divyagyans.com पर जाकर वहां भी अलौकिक प्रसंगों को पढ़ सकते हैं।
वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे दूसरे संतों को, दूसरे भक्तों को भी इस अलौकिक आनंद की अनुभूति हो सके और प्रभु में अपना प्रेम दृढ़ हो सके। अब प्रेम पूर्वक बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।